हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के बारे में। तो हम सीखेंगे ये कैप्सूल्स के बेसिक यूज़ के बारे में, साथ ही जानेंगे कि डेली डोज वगैरह क्या रहेगा ये कैप्सूल्स का, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं और कौन से अलग अलग वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहते हैं ये कैप्सूल्स के यूज़ करने पर। तो सीखते हैं डिटेल में न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के बारे में और जानेंगे डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी ऑफ दिस कैप्सूल। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बी इन फार्मर ऑक्स फैमिली एंड अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन और अब जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स के अलग अलग बेसिक मेडिसिन के एज वेल एज जो अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स में यूज़ होने वाली मेडिकेशंस के बारे में आप वहाँ पे सीख पाएंगे। तो सभी मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे, साथ ही साथ उनके PDF एंड PPTs की आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएगी। तो डाउनलोड करिए आप फार्मर ऑक्स को, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के ऐप ऊपर। तो अब जो है वो समझते हैं कॉन्सेप्ट न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के बारे में। तो ये मेडिकेशंस को हम कह सकते हैं कि मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल टाइप के मेडिकेशंस के अंदर ये इंक्लूड होगा, बिकॉज यहाँ पे उसके कंटेनर के ऊपर भी आप लिखा हुआ देखोगे कि मल्टी विटामिन एंड मिनरल के कैप्सूल। तो अलग अलग जो कैटेगरीज होती है फार्माकोलॉजी के अंदर जो मेडिकेशंस की, तो उसमें से ये जो न्यूरोकाइंड गोल्ड के जो कैप्सूल्स है वो आते हैं मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स की कैटेगरी में, जिसको हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का आपके लिए काम करते हैं और ये अलग अलग विटामिन एंड मिनरल की डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और साथों साथ अगर आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी वीकनेस है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ये कैप्सूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो खासकर विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी और वीकनेस को ट्रीट करेगा ये कैप्सूल। फिर समझे उसके मेन इंग्रेडिएंट कौन से, तो मेन इंग्रेडिएंट में यहाँ पे आप देखोगे कि जिनसेंग का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के अंदर। फिर नियासिनेमाइड है, मैकोबालामिन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन D3 जैसे की इंग्रेडिएंट उसके अंदर प्रेजेंट है। बट यहाँ पे आप एक चेंजेस देख पाओगे दूसरे मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स के कंपेयर में कि यहाँ पे जिनसेंग का ड्राई एक्सट्रैक्ट जो है वो ये न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के अंदर ऐड किया गया, कि जो एक कुछ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। जैसे कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि ये जिनसेंग जो है वो बाजू में डायग्राम के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है वो है जिनसेंग। तो ये जिनसेंग के हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि जो जिसका एक्सट्रैक्ट ये न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के अंदर ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है कि वो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बॉडी के अंदर। फिर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, कि समझो कि आपकी बॉडी के अंदर अंदरूनी सूजन वगैरह है तो उसको कम करता है ये मेडिकेशन। इरेक्टाइल डाइफंक्शन को भी ट्रीट करने के लिए जो है वो ये यूज़ की जाती है। तो इरेक्टाइल डाइफंक्शन को भी इम्प्रूव करता है ये जिनसेंग, कि ये बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा कि जब आप ये न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल यूज़ करते हैं। फिर आपकी इम्यून सिस्टम को भी ये बिल्ड करता है और उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है, एनर्जी लेवल आपका बढ़ाएगा और बॉडी के अंदर जो फटीग होती है, मतलब कि जो थकान होती है, फटीग मतलब कि थकान, कमजोरी वगैरह महसूस करना, वीकनेस वगैरह फील करना, तो सभी को ट्रीट करता है ये जिनसेंग। और यही जिनसेंग का जो एक्सट्रैक्ट है वो न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन में है, गोल्ड कैप्सूल्स के अंदर है, कि जो ये सभी बेनिफिट्स हमें देता है। तो दूसरे जो मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स से ये कैप्सूल जो है वो अलग पड़ता है ये एक इंग्रेडिएंट के कारण, कि जो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देता है जिनसेंग के कारण। तो ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के बारे में। फिर समझे उसके दूसरे इंग्रेडिएंट की, जो हमें पता है कि विटामिन B3 है तो वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और मैकोबालामिन की जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं, कि जो
हमारे ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी, कि जितने भी हमारे ब्लड सेल हैं, कि चाहे वो RBCs है, रेड ब्लड सेल, WBC है, या फिर प्लेटलेट्स वगैरह है, तो तीनों के फॉर्मेशन के लिए B12 का होना ज़रूरी है। फिर B6 कि जो हमारी न्यूरॉन्स के हेल्दीनेस के लिए ज़रूरी है, स्किन के हेल्दीनेस के लिए ज़रूरी है, और रेड ब्लड सेल के भी प्रॉपर हेल्दीनेस के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए भी B6 का होना ज़रूरी है। साथों साथ जो नर्व रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसको भी ट्रीट करने में B6 का होना ज़रूरी है। तो अब समझते हैं उसके कंटेंट के कौन से अलग अलग कंटेंट है, कि विटामिन्स कौन से हैं। तो B3 भी उसके अंदर है, कि जिसको हम कहते हैं नियासिन, B6 पायरिडॉक्सिन है, B9 फॉलिक एसिड है, B12 जो है वो है मेकाबालामाइन, के जिसको हम विटामिन B12 वैकिफ या फिर साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं। यहाँ पे D3 भी ऐड किया हुआ है, कि जिसको हम कॉल कैल्सिफेरोर कहते हैं। फिर एलिमेंट में हम देखें तो कैल्शियम है, जिनसेंग का ड्राई एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, मैग्नीशियम ऐड किया हुआ है, फेरस फ्यूमारेट है, कॉपर है, पोटेशियम, आयोडीन, मैंगनीज एंड जिंक सल्फेट भी इसके अंदर ऐड है, और फॉस्फरस। तो यहाँ पे ये साइड आप देखोगे खासकर सभी मिनरल्स है, कि चाहे फेरस है, कॉपर है, पोटेशियम, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक है, फिर फॉस्फरस और कैल्शियम, तो ये सब आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, और ये सब विटामिन्स भी ये कैप्सूल्स के अंदर मिलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज़ जिनसेंग का ड्राई एक्सट्रैक्ट। तो ये सभी मिलाकर आपको काफ़ी बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। जैसे कि बेसिक यूज़ हम देखें तो सबसे पहले विटामिन की डेफिशिएंसी को ट्रीट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस भी करेगा और बूस्ट करेगा, बॉडी के अंदर जो वीकनेस होती है वो वीकनेस को ट्रीट करने में ये जो है वो हेल्प करेगा, कि जो वीकनेस हो जाती है, कमजोरी, थकान, इम्यूनिटी कम हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन्स की, फिर फटीग की जो थकान कहते हैं हम, किस तरह से ये जो पर्सन आप देख रहे हैं कि काफ़ी थक चुका है, कमजोरी फील करता है, तो ऐसे और खासकर जब कमजोरी होती है तो डिजीनेस जैसा फील करते हैं, नींद आती रहती है, तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं ये न्यूरोकाइंड गोल्ड के कैप्सूल्स यूज़ करने से। फिर आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनके हेल्दीनेस के लिए भी ये हेल्पफुल है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव करेगा, एनहांस करेगा, ग्रोथ आपकी बॉडी के और बॉडी के फंक्शंस भी इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, ग्रोथ होगा, तो बॉडी भी हमारी अच्छे से जो है वो फंक्शन कर पाएगी, और जब कमजोरी कम हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, डेफिशिएंसी जो विटामिन्स की होती है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी का भी ट्रीटमेंट इससे हो जाता है, कि जिसके अंदर टिंगलिंग जैसा पर्सन फील करता है, फ्रीजिंग, लॉस ऑफ फीलिंग, हाइपर सेंसिटिविटी, बर्निंग सेंसेशन, नंबनेस वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, तो ये सभी सिम्टम को ट्रीट करता है ये न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल। फिर समझो कि आपको इलनेस से कोई बीमारी है, तो वो बीमारी में से फास्ट रिकवर करने में भी ये कैप्सूल्स जो है वो यूज़फुल होते हैं आपके लिए, इम्प्रूव करती है आपकी जनरल हेल्थ को और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को इम्प्रूव करवाता है, और इम्यून डेफिशिएंसी रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई डिसीज डिसऑर्डर, उनके फंक्शन अच्छे से ठीक कर देता है, और आपकी इम्यूनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाता है, और इम्यून सिस्टम को काफ़ी पावरफुल कर देता है आपकी बॉडी की। तो ये हो गए उसके बेसिक यूज़, की जो 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक यूज़ कह सकते हैं ये न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के। अब उसके डेली डोज समझे कि कितने डेली डोज में आप उसको यूज़ करोगे, तो टेक ओनली 1 कैप्सूल पर डे, तो ये कैप्सूल आपको दिन में एक ही बार लेनी है, और ख़ास ध्यान रखें कि उसके जो 2 डोज हो गए उसके बीच में 24 आवर्स का टाइम इंटरवल होना चाहिए, मतलब कि आप समझो कि जिस टाइम एक कैप्सूल लेते हैं एग्जैक्टली उसके 24 आवर्स के बाद ही दूसरा कैप्सूल जो है वो आप यूज़ करेंगे, जिससे 2 डोज के बीच में 24 आवर का टाइम इंटरवल रहे, और सिर्फ एक ही कैप्सूल ले दिन में। अब जानते हैं उसके साइड इफेक्ट, तो एक तो नौजिया वॉमिटिंग कई बार लोगों को हो जाती है, इचिंग जैसा फील करते हैं कोई लोग, डिजीनेस फील करते हैं, अगर आप ओवर डोज में यूज़ कर ले
तो स्किन के ऊपर इस तरह से रैसेस वगैरह जो है वो डेवलप हो सकते हैं कि अगर आप उसका ओवरडोज करते हैं। उसी तरह से ओवरडोज करने से डिक्रीज कर हो सकती है आपकी एपिटाइट, मतलब कि आप ऐसा सोचे कि और ज़्यादा कमजोरी है, और ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो आप एक के बजाय दिन में 2 कैप्सूल खा लें या फिर 3 कैप्सूल्स खा लें, तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। दिन में सिर्फ एक ही कैप्सूल खानी होती है, ओवरडोज करने से ये सब साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। अब जाने उसके वार्निंग्स, तो वार्निंग में सबसे पहले ये है कि समझो कि किसी को रीनल इम्पेयरमेंट था, मतलब कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम था, कि किसी की जो किडनीज वगैरह है वो ऑलरेडी बिगड़ चुकी है, कि किडनी जो है वो आपकी ख़राब है, कि या फिर किडनी फेलियर के पेशेंट है, तो उनको ये कैप्सूल्स नहीं देनी चाहिए। सेकंड, अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है किसी भी इंग्रेडिएंट के, कि जो न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के अंदर यूज़ किए गए, अगर हाइपर सेंसिटिविटी होगी तो इस तरह से एलर्जिक रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा, कि जब भी आप ये कैप्सूल लेना स्टार्ट करते हैं तो तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए और आपके फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, कि जिससे वो कोई दूसरा अल्टरनेटिव सेफ मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। तो अगर आपको मैकाबोलामाइन, मतलब कि मिथाइल कोबालामाइन B12 की एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, B3 की हो जाती है, B6 की हो जाती है, या फिर जिंक कैल्शियम जितने भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ किए हैं उसकी कोई एलर्जी हो जाती है, या फिर ऑलरेडी आपको एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो भी ये कैप्सूल्स को यूज़ नहीं करनी। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल्स के ऊपर। तो डिसीज एंड मेडिसिन का कोर्स जरूर से एक्सेस करिए फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन ऊपर, अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स और एक्सेस करिए ये कोर्स, जहाँ पे आप PDF एंड PPTs एक्सेस कर पाओगे, मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर्स अटेंड कर पाओगे और डिसीज एंड उनके ट्रीटमेंट के बारे में जान पाएंगे। तो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो जरूर से डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।